नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहित खान। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाने वाले पुर्तगाल के क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। गुरुवार को उन्होंने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आर्सेनल के खिलाफ 2 गोल कर 800 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन गए हैं। अब उनके नाम 801 गोल हो चुके हैं। इसके साथ ही मैनचेस्टर यूनाइटेड ने आर्सेनल को 3-2 से हराया। ब्राज़ील के दिग्गज खिलाड़ी पेले और रोमारियो के लिए दावा किया जाता है कि इन दोनों खिलाड़ियों के नाम 1000 से ज़्यादा गोल हैं। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल आंकड़ा नहीं है। ऑफिशियली पेले के नाम 769 और फेरेक पुस्कास के नाम 761 गोल हैं। रोनाल्डो ने हाफ टाइम के बाद 10वें मिनट में अपना पहला गोल किया। इसके साथ ही उन्होंने अपना 800वां गोल पूरा किया। मैच के 17वें मिनट में पेनल्टी किक को गोल में तब्दील कर उन्होंने अपना दूसरा गोल किया। इसके साथ ही अब उनके 801 गोल हो चुके हैं। रोनाल्डो ने 801 गोल में यूनाइटेड के लिए 2 स्पेल में 130 गोल किए हैं, जबकि स्पोर्टिंग लिस्बन के लिए 5, रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा 450 गोल किए हैं, वहीं यूवेंटस के लिए 101 गोल किए हैं, वहीं पुर्तगाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 115 गोल किए हैं। रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी हैं। उन्होंने हाल ही में ईरान के अली देई के 109 गोल के रिकॉर्ड को तोड़ा था। उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 115 गोल हैं, जबकि वर्तमान में खेल रहे कोई भी खिलाड़ी के नाम 100 गोल भी नहीं है। वर्तमान खिलाड़ियों में रोनाल्डो के पीछे 80 गोल के साथ सुनील छेत्री और लियोनल मेसी हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट के लिए आप बने रहें वन इंडिया के साथ।